हेलो दोस्तों, मैं हूँ रुबैया मलिक और आप लोग सुन रहे हैं आरोही और विराट यानी कि वीर और अनन्या की कहानी। इस कहानी में आगे क्या होने वाला है, आइए सुनते हैं। शाम के समय सभी तैयार हो चुके थे। वीर अपनी दुल्हनिया को हमेशा हमेशा के लिए अपना बनाने को बेताब हो रहा था। दिन के समय अनन्या ने मौका पाकर छोटू को अपने पास बुलाया और उसे कुछ समझाया और उससे कहा, आज उस कुकुर को अच्छे से सबक सिखाना, ध्यान रहे किसी को कानो कान खबर नहीं होनी चाहिए। छोटू कहता है, डोंट वरी दीदी, जैसा आपने कहा वैसा ही होगा, उस कुकुर महाराज को अब और सबक सिखा दूंगा। अनन्या मुस्कुराते हुए कहती है, चल ठीक है और सुन, सबका ध्यान भी रखना। अनन्या ने प्यार से उसके गाल को छूते हुए कहा और मुस्कुराते हुए वहाँ से चली गई। पार्लर वाली को घर पर ही बुलाया गया और थोड़ी ही देर बाद पार्लर वाली वहाँ पर आ गई और अनन्या को तैयार करने लगी। उसके साथ दो लड़कियाँ और भी थीं। मितारी तो जल्दी से तैयार होकर हॉल चली गई थी क्योंकि वीर की भाभी की रस्म तो उसे ही निभानी थी। वहाँ वीर तैयार हो चुका था, पीच कलर का शेरवानी पहना हुआ था, गले में मोतियों की माला और सिर पर सहरा सजाए हुए बहुत ही हैंडसम लग रहा था, या यूं कहें कि अपनी मैना के होश उड़ाने के लिए एकदम तैयार था। विक्की ने भी आज ब्लू कलर का कुर्ता और चूड़ीदार पहना हुआ था जिसमें वो भी किसी हीरो से कम नहीं लग रहा था। वो उसे बाहर लेकर आया। राजेश जी ने जब उसे दूल्हा बना देखा तो उनकी आँखें छलक आई। हॉल से बारात घोड़ी पर जानी थी इसलिए रेहान पहले ही हॉल आ चुका था। रेहान ने वीर को घोड़ी पर चढ़ाया और खुद वापस घर की तरफ चला गया। वहीं मिताली ने आज ब्लू कलर का लहंगा पहना हुआ था। उसकी गोदी में उसकी बेटी थी जिसे एक सुंदर सी स्कर्ट पहनाई हुई थी जिसमें वो भी बहुत क्यूट लग रही थी। थोड़ी ही देर में बारात दरवाजे पे पहुँच गई और वहाँ पर मिताली लड़की वालों की तरफ से हो गई। द्वार पूजा के बाद वीर को स्टेज पर लाया गया और वहाँ पर लगे सोफे पर बिठाया गया। वीर की नज़रें गेट पर ही थी जहाँ से उसकी मैना ने उसके पास आना था। थोड़ी ही देर में नेहा और मिताली अनन्या को लेकर आई। रेहान तो नेहा को देखकर खुश हो गया, आज नेहा भी बहुत खूबसूरत लग रही थी। नेहा का बेटा अनन्या के पापा की गोद में था और वो भी आज बहुत ही क्यूट लग रहा था। वीर की नज़रें जब अनन्या पे पड़ी तो वह पल के झुकाना ही भूल गया। अनन्या ने आज डार्क पीच कलर का लहंगा पहना हुआ था और बालों का जूड़ा बनाया था। फुल मेकअप में वो किसी अप्सरा से कम नहीं लग रही थी। वीर तो इतना खो गया कि कब वो सोफे से उठा और उसके पास चला आया, उसे खुद ही पता नहीं चला। उसकी इस हरकत से सभी हैरानी से उसे देखने लगे और अनन्या ने शर्म से अपनी नज़रें नीची कर ली। वीर जब वहाँ पहुँच गया तब जाके उसे होश आया। जब उसने आसपास देखा तो अपनी बेवकूफ़ी को छुपाने के लिए अनन्या के आगे हाथ कर दिया। अनन्या ने अपना हाथ उसके हाथ में नहीं दिया तो उसने खुद ही उसका हाथ पकड़ लिया और स्टेज की तरफ ले गया। जयमाला के समय उसने अनन्या के गले में जयमाला ढाल दी और अनन्या का वेट करने लगा, पर अनन्या ने उसके गले में जयमाला नहीं ढाली तो वीर ने खुद ही उसका हाथ पकड़कर अपने गले में माला ढलवा ली। उसकी इस हरकत पर सभी हंस दिए। अब दोनों ही सोफे पर बैठ गए और आशीर्वाद का कार्यक्रम चल पड़ा। वहीं दूसरी तरफ कुकुर संजय की हालत तो खराब थी, उसका शरीर सूजा हुआ था पर फिर भी अपनी छिछोरी हरकतों से बाज नहीं आ रहा था, हर किसी को छेड़े जा रहा था। छोटू की नज़र उसी पर थी। अनन्या की नज़र जब छोटू पे पड़ी तो उसने आंखों के इशारे से उसे बुलाया। छोटू उसके पास आया तो अनन्या ने वीर को उससे मिलवाया। छोटू वीर से मिलकर बहुत खुश हुआ। उसने अनन्या के कान में कहा, दीदी उसे सबक सिखाने वाला हूँ, अब आप देखना। अनन्या ने धीरे से उससे कहा, इस बार और अच्छे से सबक सिखाना उस कुकुर को, बहुत आँखें इधर उधर मटका रहा है ना। छोटू कहता है, टेंशन मत लो दीदी, आज तो इसे खाना भी नसीब नहीं होगा, मैं ना बेताल की तरह चिपका हूँ उससे, छोटू ने कहा और चला गया अपने टारगेट की तरफ। वहाँ जाकर वो उसके पीछे खड़ा हो गया। इस समय संजय किसी लड़की को देख रहा था और उसके पीछे जाने लगा। अब की बार छोटू का निशाना था संजय की तशरीफ। संजय लड़की के पीछे जा रहा था और छोटू बाकी दोस्तों के साथ दौड़ते हुए उससे जानबूझकर टकरा गया। एक एक करके सभी बच्चे उसके आसपास मंडराने लगे। संजय का ध्यान उन बच्चों पर चला गया और मौका देखकर ही छोटू ने उसकी पैंट के पीछे खुजली वाला पाउडर डाल दिया
और उसके तुरंत बाद वहाँ से सब बच्चों को लेकर चला गया। अभी तो संजय को कुछ महसूस नहीं हुआ, वो खाना खाने लगा तो मौका देखकर छोटू ने उसके खाने में मिर्च डाल दी। जैसे उसने एक बाइट खाई उसका मुंह मिर्च से जलने लगा। उसी समय जानबूझकर छोटू उसके सामने पानी का गिलास लेकर आया। संजय ने बिना ध्यान दिए ही वो गिलास उससे छीन लिया और एक सांस में ही पी गया। छोटू तो गिलास देकर वहाँ से भाग गया, पर जैसे ही संजय ने पानी को पी लिया तो उसे अजीब सी स्मेल आई और जब उसने ध्यान दिया तो उसे पता चला कि ये पानी नहीं बल्कि गौमूत्र था। वो सोचने लगा कि किसने उसे ये गिलास दिया, पर उसे कुछ समझ नहीं आया। तब तक पाउडर ने उसकी तशरीफ पर भी अपना काम शुरू कर दिया था और वो अपनी तशरीफ को खुजलाने लगा। जब अनन्या की नज़रें उस पर गई तो उसने मिताली और नेहा को उस तरफ देखने का इशारा किया और जब दोनों ने ही उस तरफ देखा तो हैरानी से अनन्या को देखने लगी, मानो पूछ रही हो कि ये कांड तूने कब किया। अनन्या सबकी नज़रों से बचकर उन दोनों को देखकर आइज विंक कर दी और मुस्कुराने लगी। वीर ने जब अनन्या को मुस्कुराते हुए देखा तो उससे वजह पूछी। अनन्या ने उसे सामने देखने का इशारा किया। वीर ने जब सामने देखा तो उसे भी हंसी आ गई। संजय ने तो वहाँ से जाने में ही अपनी भलाई समझी और वहाँ से भाग गया। थोड़ी देर बाद सभी ने खाना खाया और जब लगन का समय हुआ तो वीर और अनन्या को मंडप में बिठाया गया। संजय जैसे ही बाहर निकलने लगा तो छोटू उसका रास्ता रोककर खड़ा हो गया। उसने सवालिया नज़रों से उसे देखा तो छोटू टेढ़ा मुस्कुराते हुए कहता है, जाने से पहले एक बात तो जान जाओ। संजय खुजलाते हुए कहता है, कौन सी बात? तो छोटू उसकी तरफ देखकर कहता है, ये जो कल से आपके साथ हो रहा है ना, उसका कारण नहीं जानना चाहोगे? संजय कहता है, कैसा कारण? कहना क्या चाहते हो तुम? छोटू कहता है, ये जो कुछ भी आपके साथ हुआ है ना, वो सब आपके कर्मों की सजा है। मेरी दीदी और भाभी को छेड़ने की सजा है। आज के बाद अगर किसी भी लड़की को छेड़ने से पहले ना अपनी ये हालत ध्यान कर लेना। अभी तक तो सिर्फ एक छोटा सा ट्रेलर है, हम पिक्चर दिखाने में भी कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। अब जाइए आप यहाँ से, वरना कहीं ऐसा ना हो कि आपको आज ही पूरी पिक्चर दिखानी पड़े। संजय जाने लगा तभी पीछे से छोटू कहता है, और एक बात याद रखना, आप मुझसे बड़े हैं इसलिए मैं तमीज से बात कर रहा हूँ, वरना मुझ में इतनी समझ तो है ही कि जो मेरी भाभी और बहन को छेड़ने की गलती करे उसे अच्छा सबक तो सिखाना ही बनता है। छोटू की बात सुनकर संजय का सिर शर्म से झुक गया और वो सॉरी बोलकर वहाँ से चला गया। वहीं दूसरी तरफ सभी ने खाना खाया और थोड़ी देर आराम करने के लिए चले गए। जब फेरों का समय हुआ तो वीर और अनन्या को मंडप में बुलाया गया। वीर और अनन्या मंडप में बैठे थे, पंडित जी मंत्रों का उच्चारण कर रहे थे, पीछे बैकग्राउंड म्यूजिक चल रहा था, गाना बज रहा था और वहाँ बैठे सभी की आँखें नम हो चली थी। धीरे धीरे करके सारी रस्में निभाई जा रही थी, कन्यादान हुआ और फेरे स्टार्ट हुए, पीछे बैकग्राउंड में हल्के से म्यूजिक बज रहा था। फेरों के बाद वीर ने अनन्या की मांग में सिंदूर भरा और उसके गले में मंगलसूत्र पहनाकर हमेशा हमेशा के लिए अपना बना लिया। पहले तो सिर्फ घर वालों के सामने ही कोर्ट मैरिज की थी, पर आज पूरे समाज और रिश्तेदारों के सामने भी शादी हो गई थी। सुबह हो चली थी और थोड़ी ही देर में विदाई होने वाली थी। अनन्या को थोड़ी देर आराम करने को भेज दिया और जब समय आया विदाई का तब उसे लेकर आए। आज सभी की आंखें नम थी और रही सही कसर रिश्तेदारों ने भी पूरी कर दी। विदाई गीत गाकर जिसे रोना भी नहीं आ रहा था उनके गीत सुनकर रोने लगे। सभी को इमोशनल होते देख मिताली ने धीरे से नेहा के कान में कहा, भाभी वैसे विदाई के समय आंखों में आंसू लाने का बहुत बड़ा योगदान रिश्तेदारों का भी होता है, ऐसे ऐसे गीत गाएंगे जिसे सुनकर रोना आ ही जाएगा। फिर एक लेडी की तरफ देखते हुए कहती है, अब उस चाची को ही देख लो, ये अपनी विदाई में नहीं रोई होगी पर अनन्या की विदाई में ज़रूर रो रही है। यहाँ पर अधिकतर लोग ऐसे ही होंगे जो अपनी विदाई में भी रोए नहीं होंगे, वो दूसरों की विदाई में ज़रूर रोए होंगे। मिताली की बात सुनकर नेहा हल्के से मुस्कुरा दी और मिताली के गाल को प्यार से छूते हुए कहती है, ध्यान रखना अपना और अनन्या का भी। मिताली मुस्कुराते हुए कहती है, आप चिंता मत कीजिए भाभी, वो मेरी बेस्टी है और उसका ध्यान मैं अच्छे तरीके से रखूँगी। अनन्या सबके गले लगकर बहुत रोई
और सभी भी बहुत रोए। अनन्या रेहान से गले लगकर रोते हुए कहती है, भाई आप सभी दिल्ली आ जाइए ना, एक बार तो भगवान ने मुझे मौका दे दिया, कहीं फिर कभी आप सबके साथ रहने का मुझसे मौका ना छीन लें, प्लीज़ भाई। रेहान उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहता है, तू चिंता मत कर, जब भी तू बुलाएगी ना मैं उसी समय आ जाऊँगा। फिर वीर से कहता है, मुझे बोलने की ज़रूरत तो नहीं है, पर फिर भी ध्यान रखना उसका, थोड़ी सी चंचल है पर फिर भी प्यारी है, और ये तुमसे ज़्यादा अच्छे से और कौन जान सकता है। वीर उसके हाथ पकड़कर कहता है, भाई आप चिंता मत कीजिए, आपकी जान अब मेरी जान है और उसका ध्यान मैं पूरी तरीके से रखूँगा, ना आपको शिकायत का मौका मिलेगा और ना ही अनन्या को। रेहान वीर के गले लग गया। वीर ने उसके हाथ पकड़कर कहा, भाई अनन्या ने जो कहा एक बार सोच कर देखिए, आप सब भी दिल्ली आ जाइए। उसके बाद अनन्या को गाड़ी में बिठाकर विदा कर दिया। मिस्टर खन्ना अपनी फैमिली के साथ दिल्ली लौट गए। सभी अपनी फैमिली के साथ दिल्ली लौट आए। आखिर अनन्या के गृह प्रवेश की तैयारी भी तो करनी थी। अनन्या सभी से विदा लेकर वीर के साथ दिल्ली चली गई अपने नए जीवन की शुरुआत करने। दिल्ली में देर शाम के समय वीर और अनन्या घर के बाहर खड़े थे। अंदर मिताली और राजेश जी के साथ गृह प्रवेश की तैयारी करवा रही थी। दरवाजे पर चावल से भरा कलश रखा और अनन्या ने दाहिने पैर से गिराकर आलते की थाली में पैर रखकर अंदर आने को कहा। अनन्या ने दाहिने पैर से चावल से भरा कलश गिराकर आलते से भरी थाली में जैसे ही पैर रखा वैसे उसका पैर फिसल गया और वो संभल नहीं पाई, और जैसे ही गिरने लगी वैसे ही वीर ने उसे पकड़ लिया और उसकी आंखों में देखकर बेचैनी से बोला, संभल कर अभी गिर जाती ना। अनन्या मासूमियत से कहती है, पर गिरी तो नहीं ना, आपने मुझे गिरने ही नहीं दिया। वीर कहता है, मैं तुम्हें कभी गिरने भी नहीं दूंगा, वीर ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा। तो अनन्या के फेस पर एक बड़ी मुस्कुराहट तैर गई और खुश होकर वो कहती है, मुझे पता है आप मुझे कभी कुछ होने भी नहीं देंगे। उनकी बातें सुनकर मिताली कहती है, आगे की रस्म तो निभा लो। वीर ने हाथ पकड़कर अनन्या को आगे चलने में मदद की। रस्में निभाते निभाते रात काफ़ी हो चुकी थी। अभी कुछ और रस्में बाकी थी जिन्हें अगले दिन पूरा करना था। रात को खाना खाने के बाद मिताली अनन्या को अपने रूम में ले गई। थके होने की वजह से सभी जल्दी से ही सो गए। अगले दिन बची हुई सारी रस्में भी निभा ली गई। वीर अनन्या से बात करना चाह रहा था पर कोई ना कोई उसे घेर कर बैठा रहता और वो वापस चला जाता। थोड़ी देर अनन्या को मिताली अपने रूम में ले आई और छेड़ते हुए कहती है, थोड़ी देर आराम कर ले, फिर रात को तो वैसे ही जागरण करना है तुम लोगों को। अनन्या अपनी आंखें छोटी करके कहती है, मैं कोई जागरण नहीं करने वाली, मुझे अपनी नींद बहुत प्यारी है, समझी, और अब तू जा, मुझे सोना है थोड़ी देर। मिताली हंसते हुए कहती है, हाँ हाँ सो ले, और वैसे भी वीर तुझे रात को सोने देंगे तभी तो तू सो पाएगी ना। अनन्या ने घूर कर जाती हुई मिताली को देखा और बेड पर लेट गई और जल्दी उसकी आंख लग गई। वीर मौका पाकर चुपचाप विक्की के रूम में आया। तो दोस्तों ये वाला एपिसोड यहीं पे ख़त्म होता है। अगले एपिसोड में जानेंगे कि इस कहानी में आगे क्या होने वाला है। आगे जानेंगे कि वीर और अनन्या की ज़िंदगी में और कौन कौन सी खुशी आने वाली है। तो आगे के एपिसोड और भी इंटरेस्टिंग होने वाले हैं, तो मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करें ताकि आपको मेरे न्यू एपिसोड के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। लाइक शेयर करें और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं कि आप लोगों को ये स्टोरी कैसी लग रही है। अपना ख्याल रखें, बाय दोस्तों।